भी कभी मैं कोई कभी नहीं। कविताओं से मुझे काफी प्रॉब्लम था। लास्ट थिंग आई वांटेड टू रीड वाज पोएम। परंतु हास्य कवि की अलग बात है। I think so. I don't know if you're going to laugh or not. We'll find out. We will be the judge. There is a poet called Sharad Joshi. We know. You know. So this poem is called... This is very comfortable. Really. शादी का निमंत्रण पाकर। कविता का शीर्षक है शादी का निमंत्रण पाकर। मनुष्य एक विवाहशील प्राणी है। मनुष्य एक विवाहशील प्राणी है। क्या बात है। जो पैदा होता है सो जो शादी बनाना मांगता है। अच्छे अच्छे जहाज इस दरिया में डूबे हैं। अच्छे अच्छे जहाज इस दरिया में डूबे हैं। मेनकाओं सी आंधी चली और कितने विश्वामित्रों के मठ नष्ट हुए। मेनकाओं सी आंधी चली और कितने विश्वामित्रों के मठ नष्ट हुए। जो कीचड़ में कमल की अदा से खड़े हुए थे आज सेटल डाउन होने के गर्व में तलहटी में पहुंच गए हैं। सेटल डाउन। आज मुझे मेरे दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। उसकी बर्बादी की शहनाई बज उठी। कमबख्त के जीवन में नियम कानून का पर्व आरंभ हो गया। कंबख्त पर हमेशा के लिए इमरजेंसी लग गए। कल तक वह स्कूटर पर बैठकर सारा शहर चीर देता था। ठहाका लगाता था, मोहल्ले कांप उठते थे। भीड़ में घुसकर जगह बना लेना उसके बाएं हाथ का खेल था। खाने से भरी प्लेटें वह देखते ही देखते उजाड़ देता था। हर नया फैशन उसके बदन पर लिपटने को तरसता था। वो सिकंदर था। और छठे चौवे में मजनू और फरहाद भी था। हम जैसे उधार मांगने वालों के लिए तो वह कुबेर था। उससे बड़ी बड़ी संभावनाएं थी। सारे बिल वही चुकाता था। हर असंभव योजना को फाइनेंस करने को तैयार हो जाता था। वह सारी दुनिया में भटकने का इरादा रखता था मगर आज सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। एक खींची हुई तलवार म्यान में रिटायर हो गई। एक बलखाती झेलम सिकंदर पर विजय पा गई है। आज वह शादी कर रहा है। अपने कुमारपन का मैनिफेस्टो रद्द कर वह यहां वहां गुलाबी निमंत्रण पत्र बांट रहा है। शर्म भी नहीं आती उसे ऐसा करते हुए। क्यों चलते चलते आदमी एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां वह शादी कर लेता है या उसकी शादी हो जाती है। अरेंज मैरिज। कितनी ही श्रद्धा से हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ो शादी फिर भी हो जाती है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है बल्कि पूरी तरह से डूब जाना है और ठंडे होकर इस दरिया को भी ठंडा करना है। जिसे शादी करनी होती है वह किसी की सलाह नहीं मांगता, अपनी आत्मा की भी नहीं। वह नदी में कूद पड़ता है
क्या बात, जानता है धारा डुबो देगी पर नहीं मानता। वह न हम जैसे भुक्त भोगियों की सुनता है न शुभ चिंतकों की। वह सबसे आशीर्वाद मांगता है, बधाइयां टटोलता है और यतीमों की तरह हर डिनर में चला जाता है। उस सावन के अंधे को हर और हरा ही हरा दिखाई देता है। अरे तेरा बटुआ खाली हो जाएगा रे, अरे तेरा बटुआ खाली हो जाएगा रे, ये जलते हैं ये जलवे, ये उत्साह, ये उमंग नहीं रहेंगे। वह कुछ नहीं सोचता है, एक नशा सा छा जाता है, उसके ही कर्म उसे हिप्नोटाइज करने लगते हैं, वो मोहिनी वशीकरण में बद्ध हो जाता है। और कुछ बरस बाद जब उसका गुलाबी नशा टूटता है, आंखें खुलती हैं, तो उसे पता लगता है कि वह 3 बच्चों का बाप है। 3 बच्चों का शुद्ध एकाकी बाप। शादी के समय जो उसने अंगूठी पहनी थी वो बड़ी होकर हथकड़ी बन चुकी है। वो अब किसी काबिल नहीं है, वो बाप है और बाप बने रहना ही उसकी नियति है। अब वो लगातार बाप होता चला जाएगा, बाप बाप फिर से बाप। कुंवारेपन की जो आभा उसके चेहरे पर थी वो छिन गई। उसका वर्तमान और भविष्य एक कैदखाने में बंद हो गया। शादी एक ऐसा ही कैदखाना है, वर्तमान और भविष्य, जिसमें आगे गमले सजे हुए हैं, पीछे चूल्हा जल रहा है। फूलों की खुशबू, रोटी की खुशबू, स्नो पाउडर सेंट की खुशबू, वह हिरण की तरह पगलाया हुआ यहां वहां दौड़ता है। मैंने अच्छी अच्छी शादियां होती देखी हैं, जिन्हें अपने कुंवारे होने पर नाश था, एक दिन मंडप के नीचे पकड़े गए। ईश्वर भी जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो सालों साल शादी ब्याह के चक्कर में निकल जाता है। धरती जब पाप के भार से लद रही थी, आप रुक्मणी का हरण कर रहे थे। भगवान राम क्या नहीं जानते थे कि वो शिव का धनुष ने जिंदगी भर की मुसीबत उठा रहे हैं? पर क्या करें, मानव जन्म लिया है तो शादी तो करनी पड़ेगी। जब भगवान नहीं छोड़े तो आदमी की क्या विसात है। किसी भी दिशा में निकल जाइए, आदमी शादी करता हुआ नजर आएगा। बाहर घोड़ा सज रहा है, अंदर गधा सज रहा है। इस ससुरों की कौन बड़ी बदमाश होती है, शिकारियों के अंदाज से कुमार लड़का तलाशती फिरती है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जैसे ही कोई ब्रह्मचारी नजर आया, डाला फंदा। बेचारा शुद्ध होलू की तरह संसार सागर में डूब जाता है। मेहंदी रचे हाथों से एक ऐसा हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है कि कुंवारेपन का किला ढहढहा के गिर जाता है। बड़ी बड़ी आंखों वाली का वो गांधीवादी आक्रमण बेचारे की कल्पना के बाहर की चीज है, वो परस्त हो जाता है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा दोस्त शादी कर रहा है। ये जो निमंत्रण जो मेरे हाथ में है, ये एक ना एक दिन तो कंपोज होना ही था। इसका प्रिंट ऑर्डर तो नियति ने कब से दे रखा था। मैं निमंत्रण देख रहा हूं, मेरे कानों में बाजों की आवाज से घोड़ों की हिनहट, सहेलियों की खी, और शिकार करने के बाद एक ससुर की निर्मम ठहाका सुनाई दे रहा है। औपचारिकता के इस नकार खाने में मेरे इस दोस्त के दर्द की टूटी कौन सुनता है, और पता नहीं कंबट को दर्द है भी या नहीं। प्रभु वो नहीं जानता है।
Thank you.